नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम गणमान्य लोग पहुंचे। इस मौके पर लाखों की तादाद में शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और शहीद राजेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगाते हुए शहीद का पार्थिव शरीर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। बता दें कि हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना के 11 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वह बारामूला के गुलमर्ग इलाके में तैनात थे। 8 जनवरी को ड्यूटी के दौरान एवलॉन्च आने से वह फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफी दिनों तक रेस्क्यू किया और 15 अगस्त को शहीद के पार्थिव शरीर को ढूंढ लिया गया। उनके पिताजी से मेरी कई बार बातचीत हुई, देहरादून में भी हुई और वो उनका गांव बिल्कुल जहां हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसके नज़दीक, तो वहां पर भी वो मेरे साथ काफ़ी देर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपने रक्षा मंत्री जी से बातचीत की, सेना अध्यक्ष जी से बातचीत करी, तमाम सैन्य अधिकारियों से आपने बातचीत की है, बोले आपने प्रयास किए, आपने साथ दिया है, ये उन्होंने अपनी भावनाएं। थैंक यू सर। देखिए नारायण सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं और 8 महीना लगभग उनके परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी उनके पार्थिव शरीर की। अब कितना प्रताड़ना भरा रहा होगा इस परिवार के लिए। मैंने उनकी धर्मपत्नी को तब भी देखा था, मैं अस्पताल में उनको मिलने गया था, उनके पिताजी से मैं मिला था। बहुत लंबा धैर्य उनको धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे उनके जो साथी सैनिक हैं वो उनकी देह को ढूंढ कर लाए हैं, जो 8 महीना तक लगभग बर्फ में दबी रही। हमारे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, शहीद को श्रद्धांजलि है। उनकी जो पत्नी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है जो अभी नाबालिग हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो राज्य सरकार की ओर से जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है वो तो दी ही जाएगी उनको, लेकिन राज्य सरकार ने जैसे जो शहीद परिवार हैं उनके आश्रित को राजकीय सेवा देने का। अंजलि, आपके पिताजी आज शहीद हुए, 8 महीने का वक्त रहा, अब आप में क्या सोचते हो, आर्मी में जाने का सोचते हो, क्या आपका विचार है? मैं भी आर्मी में। पापा से जब बात होती थी तो किस तरह की बातें वो करते थे, क्या कुछ प्लानिंग थी फ्यूचर के लिए, आपका सपना क्या था, क्या उनसे बातें करते थे जब भी फोन आता था? तो आपने सोचा है कि अब आप आर्मी ज्वाइन करोगे और फिर देश की सेवा के लिए आगे जाओगे, क्या सोचा है? 8 जनवरी के बाद जब आप लोगों को सूचना मिली तो 8 महीने का वक्त होगा, तो क्या उम्मीद थी कि अब कुछ अच्छी खबर आए?